सिमरन आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए और साइंस कौन टीचर पढ़ा रहे हैं और आज आप किस टॉपिक पे हम लोग को बताइएगा और हमारे टीचर जो बैठे हुए हैं कौन सा टॉपिक पे आप आज डिटेल हमको बताइएगा उसके बारे में आज बताइए और डिटेल कीजिए। मेरा नाम सिमरन कुमारी यादव है, मैं ज्ञान भारती सेंट्रल पब्लिक स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं साइंस का एक चैप्टर कोशिका के बारे में बताना चाहूँगी। कोशिका वह संरचनात्मक सूचना इकाई है जिससे कि किसी भी वस्तु का निर्माण होता है। कोशिका की सबसे पहली खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की। उन्होंने श्रम निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका को सबसे पहली बार देखा। जीवित कोशिका की सबसे पहली खोज ल्यू वेन हॉय की नामक एक वैज्ञानिक ने, उन्होंने इसकी खोज सन 1674 में की। सिमरन डायग्राम के साथ हमको बताइए कि आप कोशिका के बारे में क्या क्या जानते हैं। कोशिका की बाहरी झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। इसको वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी बोलते हैं क्योंकि यह कोशिका में आने वाले पदार्थ के गति को रोकती है। कोशिका के अंदर केंद्रक है। केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली है जिसको केंद्रक झिल्ली बोला जाता है। कोशिका के केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है। केंद्रक के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके कारण केंद्रक द्रव्य का आगमन कोशिका में होता है। केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र का निर्माण प्रोटीन तथा डीएनए से होता है। ये ताईश जोड़े पाए जाते हैं। गुणसूत्र वह अनुवांशिक गुण है जिसके कारण माता पिता के गुण बच्चों में जाते हैं डीएनए के रूप में। अगर हम लोग गुणसूत्र को तोड़े तो इसमें दो लेयर वाले असली के आकार में निकल गए जिसको डीएनए बोला जाता है और इधर से एक लेयर वाले निकल गए जिसको आरएनए बोला जाता है। डीएनए के द्वारा ही वह अनुवांशिक गुण बच्चों में जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन बहुत प्रकार के हैं, कोई वृद्धि का होता है, कोई आकार का होता है, कोई लंबाई का। कोशिका के अंदर लाइसोसोम भी पाए जाते हैं जिसको पाचक तंत्र भी बोला जाता है। लाइसोसोम का काम यह है कि अगर
कोई भी कोशिका के अंदर सही तरीके से काम नहीं करता तो वह उस पाचक तंत्र को छिटक के उसको मार देता है और वह किसी भी चीज को बनाने का भी कार्य करता है। जैसे यहाँ कोई कोशिका मर चुकी है, इसको पचाने का काम लाइसोसोम करता है और किसी भी हाँ कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। ये एक ऊर्जा घर भी कहलाता है या बिजली का घर। जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका के अंदर गोल्जी उपकरण भी पाया जाता है। साइंस का ये टॉपिक आपको कौन पढ़ा है? राजेश सर। राजेश सर पूछिए। और आप बताइए, जो आप टॉपिक्स बताए लाइसोसोम, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स बताइए लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम कोशिका के अंदर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें पाचक तंत्र पाया जाता है किसी भी चीज को पचाने के लिए। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? कोशिका की खोज, कोशिका की खोज हुई थी। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा हुई। अच्छा, लाइसोसोम को एक और नाम से जानते हैं आपको पता है? आप मतलब की जरूरत हाँ। ठीक है, बढ़िया है। कैंसर की खोज भी करते हैं। यह ऊर्जा का निर्माण करता है और यह एटीपी के द्वारा शरीर में ऊर्जा का संवर्धन करता है। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा स्टडी है आपका कोशिका के बारे में, और ऐसे ही स्टडी कीजिए। हम भी कहेंगे हमारे टीचर्स भी अच्छा स्टडी करवा रहे हैं, और मेहनत करें और डिटेल्स बताएं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।